मसूरी के ऐतिहासिक बाजार लंडौर में हो रहे भूधसाव का कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने निरीक्षण किया और अधिकारियों को शीघ्र क्षेत्र के ट्रीटमेंट करने के आदेश दिए हैं। तो वहीं आपको बताते चले कि जोशीमठ की तरह ही मसूरी के लंडौर बाजार में भूधसाव होने के कारण यहां के स्थानीय लोग दहशत में जी रहे हैं। इस खबर को हमारे द्वारा प्रमुखता से उठाया गया, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया और उपजिलाधिकारी ने स्थलीय निरीक्षण किया। इसके बाद कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने आज क्षेत्र का दौरा किया है और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। मसूरी से अजीत कुमार सिंह की रिपोर्ट। तो किस तरह का निरीक्षण किया और क्या भविष्य में कोई कार्रवाई होगी इस दिशा में? देखिए, दिखने में आ रहा है अनुचित विकास से इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं और अभी भूवैज्ञानिक को यहाँ पर बुलाया है। वास्तविक तो जब टेक्निकल रिपोर्ट आएगी तो हम कह सकते हैं, लेकिन जो दृश्य दिखाई दे रहा है, अगर इसको हमने नहीं रोका तो बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता है। इसलिए अधिकारी को मैंने निर्देशित किया और नीचे जाकर भी मैं उच्च अधिकारी से बातचीत करूँगा और जो इसकी बेहतरी के लिए होगा। फिलहाल हमने कहा है कि मुझे बताया गया कि नीचे कहीं पार्किंग के लिए लोग खुदाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से भी हो सकता है। तो फिलहाल मैंने यहाँ के ईओ को और एसडीएम से कहा कि तुरंत जो कंस्ट्रक्शन का काम है उसको रोका जाए ताकि कोई बड़ी घटना यहाँ पर ना हो। आपने स्थल निरीक्षण किया, कई घरों में दरारें पाई गई, दुकानें भी बढ़ गई, आप मानते हैं कहने के भविष्य के लिए बहुत बड़ा खतरा है? नहीं, मैंने कहा ना कि भविष्य के लिए बहुत बड़ा खतरा, मैं पूर्व में कह चुका हूँ, लेकिन उसको रोकथाम कैसे हो, उसको क्या रोका जाए, क्योंकि मुझे जैसे बताया गया कि 1982 से लेकर 92 तक एक वाडिया इंस्टीट्यूट ने यहाँ पर एक सर्वे किया था और कुछ उसने एडवाइजरी जारी की थी, उस एडवाइजरी पर शायद काम नहीं हुआ और यही कारण है कि आज इस स्टेज पर पहुंच गया कि वहाँ पर फसाव हो रहा है। तो मैं वाडिया इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट की भी जानकारी लेता हूँ और आज आप जो वैज्ञानिक जो यहाँ पर रिपोर्ट देंगे उसके अनुसार फिर आगे कार्रवाई। जोशीमठ में इसी तरह की इसका संज्ञान लेने खुद यहाँ पर आया हूँ और मेरी मुख्यमंत्री से मीटिंग है, उनको भी जानकारी मैं दूंगा और हमारी पूरी कोशिश होगी कि जो बेहतर हो यहाँ के उसका ट्रीटमेंट होगा उसको कराया जाए।